आप सभी को प्रबोधिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रबोधिनी एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकरों चाकरों से लेकर पशु तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता है। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उनके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, परंतु रोज जो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने हाँ कर दी और एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वो राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊँगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उस शर्त की याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा चावल आदि दे दिए। नित्य की तरह नदी पर पहुँचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा और जब भोजन बन गया तो भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करने के बाद वे अंतर्ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चले गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने कहा कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए सामान पूरा नहीं होता। ये सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान मुझे कभी दर्शन नहीं देते। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए तो वह प्राण त्यागने के उद्देश्य नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ में बैठकर भोजन करने लगे। और भोजन करने के बाद वे उस नौकर को अपने विमान में बिठाकर अपने धाम लगे। यह देखकर राजा सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला, वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो आप सभी को एक बार फिर से देव उठनी एकादशी की हार्दिक बधाई। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।